एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को गिरफ्तार कर 110 ग्राम अफीम बरामद कर सप्लायर को भी किया काबू, हासिल किया पुलिस रिमांड। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने नशीला पदार्थ रखने व सप्लाई करने के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कुरुक्षेत्र की एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में सोमनाथ उर्फ सोंटी पुत्र लाल सिंह वासी बीड़ मथाना जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 110 ग्राम अफीम बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोपी संदीप पुत्र रोशन लाल वासी सराय सुखी को भी गिरफ्तार किया है। यह जानकारी देते हुए जिला पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागवाल ने बताया कि दिनांक 16 नवंबर 2023 को एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र पाल के मार्ग निर्देश में सहायक उप निरीक्षक सुशील कुमार, SI जगपाल, हवलदार नसीब सिंह, बलदेव कुमार, सिपाही संजीव कुमार व SPO सुरेंद्र कुमार की टीम एंटी नारकोटिक सेल पीपली में मौजूद थी। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि सोमनाथ पुत्र लाल सिंह वासी बीड़ मथाना का रहने वाला है और अफीम बेचने का भी काम करता है। आज भी सोमनाथ अफीम बेचने के लिए अपने गांव बीड़ मथाना से कुरुक्षेत्र पैदल पैदल आएगा। अगर पीपली चौक पीपली पर सोमनाथ को काबू कर उसकी तलाशी ली जाए तो उसके कब्जे से काफी मात्रा में अफीम बरामद हो सकती है। सूचना पर पुलिस की टीम ने पीपली चौक पीपली पर नाकाबंदी करके निगरानी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद पुलिस टीम को बीड़ मथाना की तरफ से एक नौजवान लड़का पैदल पैदल आता हुआ पुलिस को दिखाई दिया, जिसको पुलिस की टीम ने शक के आधार पर काबू करके जब उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सोमनाथ उर्फ सोंटी पुत्र लाल सिंह वासी बीड़ मथाना जिला कुरुक्षेत्र बताया। मौके पर राजपत्रित अधिकारी पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र प्रदीप कुमार को भी बुलाया गया। राजपत्रित अधिकारी के सामने आरोपी सोमनाथ की तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 110 ग्राम अफीम पुलिस को बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ थाना सदर थानेसर में पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर सहायक उप निरीक्षक करमवीर सिंह की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुरुक्षेत्र की एंटी नारकोटिक सेल के सहायक उप निरीक्षक करमवीर सिंह की टीम ने मामले में आगामी कार्यवाही करते हुए नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोपी संदीप पुत्र रोशन लाल वासी सराय सुखी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को अदालत में पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को गिरफ्तार कर 110 ग्राम अफीम बरामद कर सप्लायर को भी किया काबू, हासिल किया पुलिस रिमांड। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने नशीला पदार्थ रखने व सप्लाई करने के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कुरुक्षेत्र की एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में सोमनाथ उर्फ सोंटी पुत्र लाल सिंह वासी बीड़ मथाना जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 110 ग्राम अफीम बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोपी संदीप पुत्र रोशन लाल वासी सराय सुखी को भी गिरफ्तार किया है। यह जानकारी देते हुए जिला पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागवाल ने बताया कि दिनांक 16 नवंबर 2023 को एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र पाल के मार्ग निर्देश में सहायक उप निरीक्षक सुशील कुमार, SI जगपाल, हवलदार नसीब सिंह, बलदेव कुमार, सिपाही संजीव कुमार व SPO सुरेंद्र कुमार की टीम एंटी नारकोटिक सेल पीपली में मौजूद थी। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि सोमनाथ पुत्र लाल सिंह वासी बीड़ मथाना का रहने वाला है और अफीम बेचने का भी काम करता है। आज भी सोमनाथ अफीम बेचने के लिए अपने गांव बीड़ मथाना से कुरुक्षेत्र पैदल पैदल आएगा। अगर पीपली चौक पीपली पर सोमनाथ को काबू कर उसकी तलाशी ली जाए तो उसके कब्जे से काफी मात्रा में अफीम बरामद हो सकती है। सूचना पर पुलिस की टीम ने पीपली चौक पीपली पर नाकाबंदी करके निगरानी शुरू कर दी।
थोड़ी देर के बाद पुलिस टीम को भीड़ मथाना की तरफ से एक नौजवान लड़का पैदल पैदल आता हुआ पुलिस को दिखाई दिया, जिसको पुलिस की टीम ने शक के आधार पर काबू करके जब उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सोमनाथ उर्फ सोंटी पुत्र लाल सिंह वासी भीड़ मथाना जिला कुरुक्षेत्र बताया। मौके पर राजपत्रित अधिकारी पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र प्रदीप कुमार को भी बुलाया गया। राजपत्रित अधिकारी के सामने आरोपी सोमनाथ की तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 110 ग्राम अफीम पुलिस को बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ थाना सदर थानेसर में पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर सहायक उप निरीक्षक करमवीर सिंह की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुरुक्षेत्र के एंटी नारकोटिक सेल के सहायक उप निरीक्षक करमवीर सिंह की टीम ने मामले में आगामी कार्यवाही करते हुए नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोपी संदीप पुत्र रोशन लाल वासी सराय सुखी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को अदालत में पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है।